अजमेर को जल्द ही नए मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने के साथ ही सुपर स्पेशलिटी सेंटर का तोहफा भी मिलने जा रहा है। अजमेर आए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि चिकित्सीय सुविधाओं के विस्तार की दिशा में सरकार बहुत तेजी और गंभीरता के साथ काम कर रही है। यही कारण है कि अजमेर के मेडिकल कॉलेज का नया भवन जल्द कायड़ में बनाया जाएगा, जिसके लिए 160 बीघा जमीन चिन्हित कर ली गई है और बजट में इसका प्रावधान भी कर दिया गया है। इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी हो गई है और जल्द ही वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद काम शुरू होगा। इसके साथ ही अभी जहां मेडिकल कॉलेज चल रहा है, उस जगह को सुपर स्पेशलिटी सेंटर के रूप में विकसित करते हुए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का विस्तार किया जाएगा और चरणबद्ध तरीके से अजमेर को मेडिसिटी बनाने का सपना साकार होगा। मंत्री रघु शर्मा अजमेर मेडिकल कॉलेज के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अजमेर आए थे। फंक्शन है आज, यहाँ के जो प्राचार्य जी हैं और बाकी स्टाफ के लोगों ने कहा कि आपको आना है तो आया अभी इस प्रोग्राम के लिए। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज के बारे में बात है, जैसे ही हमारी सरकार बनी, क्योंकि इसमें रिकॉग्निशन 150 सीटें पहले थी, उनकी रिकॉग्निशन नहीं थी। हमने आने के बाद 50 सीट और बढ़वाई इसमें और 200 सीटें रिकॉग्नाइज है। यहाँ मेडिकल कॉलेज काफी पुरानी बिल्डिंग में है और पहले भी मैंने जब दौरा किया तो करीब 168 बीघा जमीन है जो कायड़ में है। नई मेडिकल कॉलेज बने वहां पे नया मेडिकल कॉलेज, बच्चों के हॉस्टल बने, प्लेग्राउंड्स बने, क्योंकि आने वाले 20-25 साल की जरूरतों के हिसाब से ये पुरानी बिल्डिंग है और काफी बेड शेप में है। तो हम लोगों ने इसके लिए बजटरी प्रोविजन भी किए हैं और मैं समझता हूं कि जल्दी ही हमने इसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है, बाकी स्वीकृतियां भी मिल जाएगी और ये काम शुरू हो जाएगा। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनना है, उसके लिए भी हम पूरी तैयारी के साथ हैं और काम भी जल्दी शुरू करेंगे। इसके अलावा 700 से 800 बच्चों के लिए ऑडिटोरियम बनने का काम अभी चल रहा है और जून 2020 तक वो भी तैयार हो जाएगा। तो बच्चों की फैसिलिटीज कैसे बढ़े, फैकल्टीज नई कैसे आए, उन तमाम चीजों पे हम बारीकी से नजर रखे हुए हैं। और पीजी की जो सीटें हैं अभी 119 है, हमने 120 और मांगी है, तो ये कुल मिला के 239-40 सीटें पीजी की भी हो जाएगी। कुछ फैकल्टीज हैं जिनका बढ़ना जरूरी है। अभी मैंने यहाँ पे चिकित्सा मंत्री बनने के बाद कार्डियोलॉजी में और न्यूरो सर्जरी में हमारे डॉक्टर्स की नियुक्ति की है। जो फैकल्टीज यहाँ नहीं है उन फैकल्टीज को भी शुरू करने का इरादा है। आने वाले टाइम में अजमेर का मेडिकल कॉलेज ग्रो करे, सारी फैकल्टीज के साथ ग्रो करे, पर्याप्त सीटें हों, यहाँ पे भवन निर्माण का काम शुरू हो, छात्रावास के भवन निर्माण का काम और अच्छे प्लेग्राउंड्स बने ताकि बच्चों को पढ़ने में सुविधाजनक वातावरण। मेडिसिटी की तो बात अभी हमने की भी नहीं है, लेकिन एक बार जब मेडिकल कॉलेज बहुत पुरानी बिल्डिंग में चल रहा है और अस्पताल का विस्तार भी भविष्य में होना है, जगह की भी प्रॉब्लम रहती है, तो जो जगह पे मेडिकल कॉलेज है, फेज मैनर में हम इस मेडिकल कॉलेज को हम नई जगह बना के और उस जगह पे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स के निर्माण का रास्ता निकाल रहे हैं। तो ये जो पूरा हॉस्पिटल है इसका आने वाले टाइम में विस्तार हो, इसके लिए जमीन भी चाहिए और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स भी हम बना पाए ताकि अजमेर के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सके, उस दिशा में हम लोग प्रयत्न